चिता की अग्नि में दहकते खौफ से खेलता, कपाल पर मसान और महाकाल को पुकारता। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खोपड़ियां हैं। नरमुंडों के मस्तक पर मंत्रों का माया जाल बिछाता, जागृत शमशान में मृत और जीवित को बांधता। अब तो मिर्चियां जलाई जा रही हैं। ये है माँ कामाख्या का चमत्कार। सफेद कपड़े को लाल कपड़े में बदल देता है, यानी कि माँ रजस्वला है, इसका हर एक सबूत मिलता है। जहाँ सृष्टि ने पहली सांस ली। तंत्र साधना, तो तंत्र तो मंत्र के ऊपर है, तो जहाँ मंत्र है वही तंत्र है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि सृष्टि है और यहाँ पे माना जाता है कि ब्रह्मा जी भी यहाँ बैठ के ही विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ क्रिएशन जो है वो यहीं पे बैठ के किया करते थे। जहाँ एकाकार होती हैं सभी शक्तिपीठों की देवियाँ, और फिर होता है एक चमत्कार, चमत्कार जिसका साक्ष्य देख लो, छूकर चेक कर लो, जैसे चाहो वैसे परखो, और विश्वास हो जाए तो फिर आ जाना, शामिल हो जाना भक्तों की इस भीड़ में, खो जाना इस उल्लास में, जयकारों में, इस पुकार में, मां के इस अद्भुत अनोखे और चमत्कारी संसार में। क्योंकि जब पट खुलेगा तब दिखेगा मां कामाख्या का रहस्य लोक। माँ कामाख्या पीठ, सभी शक्ति पीठों की महापीठ। यहाँ माँ के चिन्ह को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और तीन दिन बाद ये कपड़ा लाल हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माँ रजस्वला होती हैं। कपड़ा खून से भीग जाता है, फिर भी इससे धूप और दीप के साथ फूलों की सुगंध आती है। ऐसे कई दावे आपको सोशल मीडिया पर बार बार मिल जाएंगे, लेकिन क्या है इन दावों के पीछे की सच्चाई? सीधे महाशक्तिपीठ मां कामाख्या के घर चलकर जानते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः। मां कामाख्या धाम, सिद्धियों और मंत्रों का महाकुंभ सजाए, तंत्र सिद्धि के नगर में बसा, शक्तिपीठों में महापीठ, मां कामाख्या का घर। इसका दिन तपस्वियों की तपोभूमि है और रात तांत्रिकों का तिलिस्म। जहां मंत्रों की माला पर आस्था आहुति देती है, और फिर मां कामाख्या हर जाप, हर सिद्धि और हर मनोकामना को पूरा कर देती है। जितना सिद्ध ये पूरा स्थान है, उतना ही बड़ा है यहां से जुड़ा रहस्य। तंत्र की गोद में बसा है मां आदि शक्ति का ये महापीठ, जो रहस्यों से भरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशिका सिंह और आप देख रहे हैं आधी हकीकत आधा फसाना। आज कहानी कामाख्या के उस नीलांचल पर्वत की, जिसकी कहानी उससे भी ज्यादा बड़ी है, उससे जुड़ी हुई कई कथाएं हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। मां कामाख्या का धाम कब और कैसे बना, इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी है। कथा के मुताबिक माता सती के पिता
राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को बुलाया। सती को जब यह पता चला तो भगवान शिव के मना करने के बावजूद वो यज्ञ में चली गई। वहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे दुखी होकर सती ने उसी यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये बात पता चलने पर व्याकुल शिव वहां पहुंचे। महादेव सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। जिससे पूरी सृष्टि के अंत का खतरा उत्पन्न हो गया। तब श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये हिस्से 51 जगहों पर गिरे, जहां मां के शक्ति पीठ बने। मान्यता के मुताबिक कामाख्या में माता की योनि गिरी थी, और इसीलिए वहां मां के रजस्वला होने की बात कही जाती है। मान्यता है कि अंबुवाची के दौरान ब्रह्मपुत्र का रंग बदल जाता है, मटमैला हो जाता है, और ये नदी इस दौरान उफान पर होती है। एक और बात है, ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसी नदी है जो कि नारी ना होकर के बल्कि पुरुष के रूप में उसकी पूजा होती है। कुछ लोगों का ये भी दावा था कि रजस्वला होने से निकला रक्त बहकर ब्रह्मपुत्र में मिलता है, जिससे नदी के एक हिस्से का पानी 3 दिन तक लाल रहता है। यानी हमें एक नहीं बल्कि कई रहस्यों के सिरे तलाशने होंगे। जैसे 51 शक्तिपीठों में सिर्फ कामाख्या में ही मां रजस्वला क्यों होती हैं? ब्रह्मपुत्र का वो कौन सा हिस्सा है जहां मंदिर का गुप्त जल स्रोत आकर मिलता है? क्या वहां पानी लाल होता है? क्या वाकई मंदिर में रखा कपड़ा सफेद से लाल हो जाता है? क्या मंदिर से निकले कपड़े में रजस्वला होने के निशान मिलते हैं? क्या कपड़े से सुगंध भी आने लगती है? पूरे देश से तांत्रिक शमशान में क्या करने आते हैं? इन्हीं सवालों को साथ लिए हम मां कामाख्या के धाम पहुंच गए। इतिहास की बात करें तो कामरूप या फिर प्राग ज्योतिषपुर इस शहर का नाम और मंदिर कामाख्या, ये प्रमुख द्वार मेरे पीछे है। नीलांचल पर्वत पर जाने का ठीक इस पर्वत पर स्थित है कामाख्या मंदिर, जिसे तंत्र मंत्र से लेकर के भक्ति मार्गी हर विद्या हर विधा से यहाँ पर साधना करते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं अंबुवाची मेले का हर स्वरूप। मंदिर नीलांचल पहाड़ पर स्थित है। धाम की ओर जाती ये सीढ़ियां भी एक पौराणिक घटना की साक्षी हैं। हमने कई सवालों के जवाब तो ढूंढ लिए, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर क्या कपड़ा वाकई लाल होगा, और होगा तो ये सब कैसे संभव होता है? इसी सवाल के जवाब के लिए 3 दिन का इंतजार बाकी था, लेकिन इसके बीच एक तंत्र विद्या से जुड़ी रात का अनुभव कैसा है? मां कामाख्या के धाम में रात के वक्त पूरा धाम ही अपना स्वरूप बदल लेता है, जिस पर आप यकीन भी ना कर पाए। मंदिर के कपाट आखिर बंद क्यों हैं? मंदिर के कपाट बंद इसलिए हैं क्योंकि मान्यता ये है कि इस दौरान 3 दिन तक मां कामाख्या रजस्वला रहती हैं। मंदिर के भीतर सिर्फ 2 पुजारी जाते हैं, वो भी भोग देकर वापस आ जाते हैं, और मंदिर के कपाट बंद होने के पहले अंदर सफ़ेद कपड़ा लगाया जाता है, जो कुंड है उसके ऊपर। मान्यता ये है कि वो कुंड सफ़ेद कपड़े को लाल कपड़े में बदल देता है, यानी कि माँ रजस्वला है, इसका हर एक सबूत मिलता है। हमने सोचा कि यहाँ मौजूद भक्तों ने कपड़ा ले जाते देखा होगा।
कपड़ा सफेद था या लाल, ये लोगों से पूछताछ में पता चल जाएगा। माँ के पास पूरे शक्तिपीठ को दर्शन करने निकला था। माँ के पास जो कामाख्या में ऊर्जा मिली वो दूसरी जगह नहीं मिली, तो हर वाइब्रेशन यहाँ मैच हो जा रहे थे। कौन से भी डायमेंशन से माँ को साधना करने से यहाँ सिद्ध हो जा रहा था मुझे, और यहाँ जो अर्जी लगाते वो घर पहुँचे जब तक पूरी हो जाती। ऐसे बहुत सारे मिरेकल है। पिछली बार में आई तो बेटे की शादी के लिए बोल के गई थी कि माँ उसकी शादी हो जाए, अभी नवंबर में उसकी शादी होगी, तो थैंक यू करने आई हूँ माँ का कि हाँ माँ आपकी कृपा से सब हो गया और अभी उसके बच्चा होने वाला है, इसके लिए फिर धन्यवाद, फिर अगले साल आऊँगी उसके लिए थैंक यू करने के लिए। सो बहुत कुछ दिया माँ ने, बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती। सारा रहस्य कपड़े के रंग पर टिका था। अब तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला था जिसने कपड़ा ले जाते देखा हो। आस्था में डूबी आंखों में जवाब तलाशना बेमानी था। हमने अपनी निगाहें दौड़ानी शुरू की, हमने मंदिर के चारों ओर घूमना शुरू किया। शायद किसी सुराख से सुराग झांकता मिल जाए, शायद मंदिर के किसी कोने में कोई झरोखा, कोई खिड़की मिल जाए जिससे झांक कर हम कपड़े को देख सकें। लेकिन मंदिर के हर हिस्से को साड़ियों से ढक दिया गया था। तंत्र सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं 10 महाविद्याएं। ये 10 महाविद्याएं यानी कि काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता और साथ ही साथ अन्य माँ के मंदिर, उनके रूप जिनके मंदिर इस प्रांगण में, कामाख्या के प्रांगण में है, लेकिन फिलहाल अंबुवाची के दौरान तस्वीर देखिए कि इन्हें ढक कर रखा गया है, कोई भी यहाँ पर फिलहाल दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि माँ का मंदिर बंद है, गर्भगृह बंद है, 3 दिन के लिए माँ के दर्शन नहीं हो सकते। यही कारण है कि माँ के जितने भी रूप, जितने भी उनके मंदिर हैं प्रांगण में, उनको ढक दिया गया है। लेकिन इन 10 महाविद्याओं को लगातार ये तांत्रिक रात भर तंत्र करके जगाते रहते हैं। तभी हमें एक मूर्ति दिखाई दी। अब बात करें हम जरा 64 योगिनियों की। ये 64 योगिनियां इसलिए क्योंकि मंदिर की जो पूरी दीवारें हैं उस पर इन 64 योगिनियों की तस्वीरें उकेरी गई हैं। कारण ये है कि तांत्रिक साधना की कोई भी सिद्धि 64 योगिनियों के बिना पूरी नहीं हो सकती है, और तांत्रिक शक्तियों की यही रक्षक भी हैं। माँ आदि शक्ति का रूप ये 64 योगिनियां यहाँ पर कामाख्या मंदिर के दीवारों पर हर जगह पर उकेरी हुई हैं, और ये मूर्ति ये सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, और इसलिए क्योंकि इस मूर्ति की तस्वीर, जब भी आपने कामाख्या मूर्ति की तस्वीरें देखी होंगी तो इस मूर्ति की तस्वीर जरूर देखी होगी। वो इसलिए क्योंकि इस मंदिर में योनि की पूजा होती है माँ के, और ये मूर्ति ऐसी दिखाई गई है कि योनि इसमें दिखाया गया है, रजस्वला होते हुए दिखाया गया, इसलिए ये मूर्ति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी मूर्ति को कई सोशल साइट्स पर गर्भगृह में रखी मां कामाख्या की मुख्य मूर्ति बताया गया है। आप भी भ्रमित हुए हैं तो यहां असलियत देख लीजिए। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति है या कुछ और, ये हमारी रिसर्च से पता चल गया। आप भी जान लीजिए। कामाख्या एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर मूर्तियों से ज्यादा गर्भगृह का महत्व है। गर्भगृह तक जाने के लिए आपको सीढ़ियां उतर करके और एक गुफा के भीतर जाना पड़ता है, और जहां पर गुफा के अंदर सिर्फ और सिर्फ दीयों की रोशनी में माँ की पूजा होती है। लेकिन आखिर गर्भगृह के अंदर है क्या, ये सवाल उठ रहा होगा आपके मन में। गर्भगृह के भीतर माँ की योनि बनी हुई है पत्थर पर, और उसमें जल प्रवाह लगातार होता रहता है। ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसका स्रोत अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
माँ कामाख्या के द्वार अम्बुवाची उत्सव के दौरान सभी शक्तिपीठों से संत श्रद्धालु तांत्रिकों की भीड़ दर्शन के लिए इकट्ठा होती है। मान्यता है कि माँ कामाख्या के दर्शनों से सभी शक्तिपीठों के दर्शन जितना ही पुण्य मिलता है। ऐसे में तंत्र विद्या साधकों से लेकर अपनी मुरादें लेकर पहुंचे आम श्रद्धालु तक माँ के द्वार अपने अपने तरीकों से साधना करते हैं। नीलांचल का हर कोना अंधेरे में गुम हो गया और तब कामाख्या के शमशान में तंत्र जाग उठा। पग पग पर जलती चिताओं से चुराई अग्नि, कदम कदम पर कपाल पर आहुति, एक नहीं दो नहीं तीन तीन खोपड़ियां हैं। कहीं महाकाल को बुलाकर काल से मुकाबले की तैयारी थी, कहीं मंत्रों पर जागृत होते मसान दिखे। हर तस्वीर अनोखी और हर रंग रहस्यमयी था। कामाख्या का शमशान दुनिया के चार सबसे सिद्ध शमशानों में एक माना जाता है। आधी रात गुजरने के बाद तांत्रिक शमशान में क्या करते हैं, वो राज आज आप पहली बार टीवी पर देखेंगे। एक तस्वीर ये देखिए, चिता से अग्नि लाई गई है, काठ लाई गई है, और दूसरी तरफ मेरे पीछे की ये तस्वीर देखिए, जहां पर कफन जो मुर्दा होते हैं उनको जो कफन पहनाया जाता है वो कफन लाया गया है और इससे ये अग्नि प्रज्वलित की गई है। जगह जगह पर शमशान में ऐसे ही अग्नि जलाकर जो साधक हैं वो अपनी सिद्धि की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। ये है कामाख्या का अम्बुवाची मेला, जहाँ पर शमशान भी रात को सजता है। और अम्बुवाची मेला ये कहा जाता है कि ये तांत्रिकों का महाकुंभ है, तो इस महाकुंभ में इस अग्नि के सामने आपको पूरे शमशान में इस समय तंत्र सिद्धि करते लोग नजर आएंगे। लेकिन ये सब समझने के लिए किसी तांत्रिक से बात करनी होगी। हमने तलाशना शुरू किया। कोई तांत्रिक चिता की भस्म से नहा रहा था, तो कोई इंसानी नरमुंडों को सजाए बैठा था, कुछ तांत्रिक मंत्रों से आत्माओं को बांधने का दावा कर रहे थे। जितने तांत्रिक थे उतने ही अलग तरीके, लेकिन ऐसा कुछ बेहद भयानक नहीं दिखा जितना हमें डराया गया था। फिर भी तांत्रिकों के उग्र स्वभाव का डर था, लिहाजा हमने बहुत देख समझ कर एक तांत्रिक चुना। तीन तीन खोपड़ियां हैं, अघोर तंत्र की साधना शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे रात हो रही है, पूरी दुनिया सो रही है, वैसे वैसे कामाख्या के शमशान जागते जा रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। आइए चलिए जानते हैं कि हो क्या रहा है। फिर हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े, एक पत्थर पर रुके। फिर चारों तरफ घूमते हुए तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक चिता से ली अग्नि पर कपाल क्रियाएं कर रहे थे। हमें उनके तरीकों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन मां कामाख्या से जुड़े चमत्कार को समझने के लिए यहां के हर पहलू को खंगालना जरूरी था। अघोर तंत्र की साधना कैसे होती है, ये कामाख्या में भूतनाथ शमशान पे हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आए बाबा? तारापीठ से आए माता जी।
क्या साधना कर रहे हैं? हाँ, काल भैरव की साधना कर रहे हैं। अघोरी है? अघोरी सन्यासी है। वो लाल मिर्ची है जो की दूध जो लकिया होती है सबसे तीखी मिर्ची होती है, अगर ये आग में पड़ेगी ना तो बहुत ही ज्यादा इससे बदबू आएगी, ऐसा इनका कहना है कि बदबू नहीं आएगी। देखते हैं, सामने हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हमने वहां से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, थोड़ी देर तक देखा लेकिन आंखों में रंच मात्र भी जलन नहीं हुई, न त्वचा पर जलन का एहसास हुआ। रात भर की तंत्र साधना आपने देखी, मां कामाख्या के द्वार शक्ति साधना का चरम रूप हमने दिखाया। अब बारी है मां कामाख्या के चमत्कार के रहस्य को तलाशने की, असल सवाल के जवाब को ढूंढने की, आखिर कपड़ा लाल कैसे होता है। हमें एक ऐसी महिला की जानकारी मिली जिसके पास अंबुवाची वस्त्र था, यानी वो लाल कपड़ा जिसका रहस्य हम तलाश रहे थे। ये सबसे अहम मुलाकात थी। थोड़ी देर में हमारे सामने वो कपड़ा होगा जिससे मां कामाख्या को ढका गया था। कपड़ा ये बहुत पुराने, अभी 12-13 साल के से यहाँ पे भड़क के मैं रखती हूँ। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो यही, ये अब छुरी भी है, कपड़े भी है, ये अब देखिए आप इसको देखेंगे, ये बहुत पुराने हैं, मेरे साथ है और इसके वजह से मैं आज जो भी हूँ, जितना मेरे स्ट्रगल आए हैं लाइफ में और जो भी युद्ध जिसको बोलते हैं, जो मैंने किया है सिर्फ माँ के वजह से। और ये कपड़ा जो है एक सिंबॉलिक है कि माँ मेरे पास है, मेरे साथ है हमेशा। क्या हम इसको छू सकते हैं? हाँ, आप छू सकते हैं, छू लो, कोई बात नहीं। हमने उस कपड़े पर निगाह दौड़ाई, इसे बहुत अच्छी एक खुशबू आ रही है। ये खुशबू, ओहो कितना पुराना कपड़ा है। बहुत पुराना है। कितने साल? ये बहुत पुराना है, ये शायद 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया था पहली साधना, तब मैंने मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था उस टाइम में। अब तक धूप दीप कपूर फूल ऐसी अद्भुत खुशबू, वो ये जो खुशबू था वो उसी टाइम का था और वो खुशबू जो है ऐसे ही है, मतलब कम नहीं हुआ है, वैसे ही बिल्कुल। ये चमत्कार कहें कि माँ कामाख्या की कृपा कहें। देखिए ये अंबुवाची वस्त्र ये इस समय हमारे हाथ में है। उन्होंने बताया कि वो कपड़े को डिब्बे में बंद करके रखती हैं, आसपास धूप बत्ती भी नहीं रहती, फिर कपड़े में ये खुशबू कहां से आई? मतलब कैसे इतने दिन बाद कपड़े में खुशबू रह सकती है, तो सच में माँ का चमत्कार ही होगा। कि वरना हम लोग एक कपड़ा अगर कहीं रख दें कुछ दिन तो एक बुरी स्मेल आती है उसमें से, स्पेशली यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी है। ये आपको लग रहा है ना अगरबत्ती कर्पूर का मिक्स? यस। इतिहासकार के मुताबिक ये सुगंध सालों से कायम है और ये माँ की मौजूदगी का सबूत है। हमने कपड़े में रजस्वला होने के सबूत तलाशने शुरू किए। जैसे कि दाग वगैरह आपको दिखाओ मत उसको, आपको दिखाओ। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। बहुत कौतूहल है मुझे भी इसको लेकर। मैं इस बार कोशिश करूंगी कि मुझे भी अंबुवाची वस्त्र थोड़ा मिल जाए, मैं स्पर्श करके देखना चाहूंगी। जब हाथ में आता है स्पर्श करते कैसी फीलिंग होती है? आपको लगेगा कि माँ आए हैं, माँ ने आपको स्पर्श किया है, आलिंगन किया है और बोला है माँ ने कि बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन फिर एक ऐसी बात पता चली जिसने हमारे होश उड़ा दिए। न्यूज के छू आए हैं आप, न्यूज के लिए ये जो, ये जो लेकिन सफेद कपड़ा होता ना दीदी, तो वहाँ पर मंदिर के अंदर सफेद कपड़ा रखा जाता ना? नहीं, रेड ही रखा जाता है, माँ को माँ के प्रमाण नहीं लिया जाता है। मान्यताओं में, दावों में, पौराणिक काल से चली आ रही कहानियों में, हर सोशल साइट और चैनल पर, सब जगह गर्भगृह में सफेद कपड़ा रखे जाने और फिर उसके लाल रंग में बदल जाने की बात कही जाती है।
यही सुनकर हम भी आए थे। दावे के मुताबिक कपड़े में निशान भी थे और सुगंध भी आ रही थी, लेकिन इतिहासकार का दावा था कि सफेद नहीं बल्कि लाल कपड़ा ही गर्भगृह में रखा जाता है। लेकिन महज एक इनकार पर सबके दावों को गलत ठहराना जल्दबाजी लगा, इसलिए हमने कामाख्या मंदिर के सेक्रेटरी से बात की। पहले का जमाना में सफेद कपड़ा माँ को पास में चढ़ाया जाता था, माँ का योनि में सफेद कपड़ा चढ़ाया जाता था। क्या पहले हम लोग का सफेद कपड़ा लेकर गए, सफेद कपड़ा रखने का पद्धति था सदियों में। तो उसका बाद में राजा ने माँ को परीक्षा लेने का ये किया था, माँ को देखने चाहा था, माँ यहाँ पे नृत्य करता है। तो हमारा जो पुजारी था यहाँ का मुख्य पुजारी, उस टाइम पे उनको डराया धमका करके बुला गया था, मुझे माँ को दर्शन कराओ। तो उन्होंने तो जब से सुरंग बना करके उसको देखने दिया, उसी का बात माँ ने अभिशाप दिया। उसका बाद से हम लोग का जो सफ़ेद कपड़ा था वो सफ़ेद कपड़ा देना बंद हुआ। तो उसी बात में रेड कपड़ा हम लोग चढ़ाता है, लेकिन वहाँ में महसूस होता है, मेंस्ट्रुअल का जो ये रहता है वो महसूस होता है उसमें। तो उसी को हम लोग अंग्र वस्त्र कहता है, रक्त वस्त्र भी कहता है। तो उसी का बहुत ही महत्व है। तो उसी से पकड़ लीजिए, नहीं होने वाला काम जिसका पुत्र नहीं है, पुत्र कन्या नहीं है, उसका पुत्र होता है, जो भी मनोकामना रहता है उसी से पूरा हो जाता है, उसका बहुत ही पवित्र माना जाता है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के सामने मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण लोगों के एक जैसे दावे थे, लेकिन सत्य को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए हमने पुजारी जी से भी बात की। एक्चुअली ये जो अभी यूट्यूब में जो निकल रहा है, मीडिया में जो मिल रहा है, आपको ये सब कुछ गलत है। असली है कि हम लोग का पूर्वज एलिक से जो जानकारी मिले थे, उस समय देवियों को रजस्वला होते हैं उस टाइम से। उस समय किसी को अभी तक साहस नहीं होता कि माँ का दरबार में क्या हो रहा है। प्रसार माध्यम में जैसे यूट्यूब में जैसे निकला कि माँ का जल ब्रह्मपुत्र में लाल हो जाते हैं, ये सब गलत बात है। सिर्फ जो लाल वस्त्र हम लोग को मंडी का कमेटी से दिया जाता है प्रभृति के पहले हम लोग दे देते हैं माँ का शरण पे, वही वस्त्र जो निकालते हैं उसी को माँ का प्रसाद इस तरह मिलते हैं। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, लेकिन फैसला तब करेंगे जब हमारे हाथ में कपड़ा आ जाएगा, किसी और का दिया नहीं, बल्कि तब जब कपड़ा सीधे मंदिर से निकलकर हमें मिलेगा, फिर हम उसे परखेंगे, तब आपको पूरी असलियत बताएंगे। कपाट अगले दिन खुलना था, इसलिए हमने मेले में बिखरे कुछ और रंगों को समेटना शुरू किया। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।